Hello students, so this is the fourth video on the public finance in India. हमने first video में देखा meaning, definition and introduction of public finance. हमने देखा public finance मतलब क्या? Public finance is nothing but the income and expenditure of the government and adjustment with one other. उसके बाद हमने हमने एक्सपेंडिचर के बारे में देखा. हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. और हमने ये भी देखा कि रेवेन्यू जो है वो हमेशा एक्सपेंडिचर से कम होता है, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है. तो लास्ट वीडियो में हमने रेवेन्यू के बारे में भी देखा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है. तो गवर्नमेंट का जो इनकम है, लाइक हमारा इनकम क्या होता है, सैलरी होती है, हमारा रेंट होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट का इनकम क्या है. गवर्नमेंट का इनकम टैक्स है, नॉन टैक्स है, फीस, फाइंस, पेनल्टीज, जो हमसे चार्जेस लेती है गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट का इनकम है. लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट का जो इनकम है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होता है. मतलब हमेशा हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है, वो इनकम से ज़्यादा होता है. तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे गवर्नमेंट लोन लेती है, कंट्री के अंदर से और कंट्री के बाहर से. कंट्री के बाहर मतलब दूसरी कंट्रीज से भी लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेती है और दूसरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेती है. और हमारे देश के अंदर से, अंदर के लोगों से, जैसे कि बैंक से, बड़ी बड़ी कंपनी से, बड़े बड़े रिच लोगों से लोन लेती है. उसको हम कहते हैं इंटरनल डेप्ट. आइए हम पब्लिक डेप्ट के बारे में जानेंगे. पब्लिक डेप्ट इज नथिंग बट द गवर्नमेंट टेकन द लोन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. द गवर्नमेंट हैज टेकन द लोन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. हमने देखा था कि पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू. अब हम पब्लिक डेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे. तो पब्लिक डेप इज नथिंग बट द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट. ऐसे बहुत समय आते हैं जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उससे कम होता है. जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा और इनकम कम होता है, तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है. लेकिन गवर्नमेंट, जिस तरह से हम लोन लेते हैं, कभी कभी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसों की कमी होती है, तो हम लोन लेके उस खर्चे को करते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट भी इमरजेंसी पे लोन लेती है. लेकिन गवर्नमेंट के पास भी दो ऑप्शन से लोन लेने के लिए, चाहे वो देश के अंदर से ले या दूसरे देशों से ले. अगर गवर्नमेंट लोन जो है वो देश के अंदर से ही, देश के लोगों से लेगी, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेप्ट. और अगर गवर्नमेंट ने बाहर से, दूसरे देशों से लोन लिया, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेप्ट. आइए हम थोड़ा डीप में जाएंगे. देखिए क्या कहता है. लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू रेज द लोन. इन फैक्ट रेजिंग डेप्ट इज मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट. तो नॉर्मल इंसान की तरह, जिस तरह से नॉर्मल एक इंडिविजुअल जो है वो लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरी करता है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी अपने खर्चे को, अपने बजट को पूरा करने के लिए कभी कभी लोन लेती है. और गवर्नमेंट के लिए लोन लेना ये एक नॉर्मल सी बात है, एक साधारण सी बात है. बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सपीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू. देखो यहाँ पे लिखा भी है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज़्यादा करके गवर्नमेंट के इनकम से कम होता है. इसीलिए पब्लिक डेप्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस. और यहाँ पे गवर्नमेंट दो टाइप्स के लोन की बात कर रहा है, इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट. और आई होप इंटरनल और एक्सटर्नल आपको समझा. इंटरनल डेप्ट मीन्स व्हाट? द गवर्नमेंट हैज टेकन लोन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. कंट्री गवर्नमेंट ने कंट्री के अंदर से लोन लिया, लाइक कंट्री के अंदर से बैंक से लोन लिया, सिटीजन से लोन लिया, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेस से लोन लिया विद इन द कंट्री. देखिए विद इन द कंट्री. और यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्ट मतलब क्या? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अगर ऐसे जगह से लोन ले रही, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लोन. अब आप मुझे बताइए, इंटरनल लोन गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्सटर्नल? देखिए अब जब हम एक्सटर्नल लोन लेते हैं, तो उस लोन के साथ, उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है. और इससे हमारी कंट्री में से इनफ्लो होने के बाद, एक वक्त के बाद आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ख़राब हो जाता है. इसीलिए हमारे देश में
हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल लोन ज्यादा ले तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो पैसा अपने देश में ही रहेगा। आइए हम इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट में डिफरेंस देखते हैं। इंटरनल डेट मीन्स व्हाट? व्हेन द गवर्नमेंट हैज टेकन लोन विद इन द कंट्री इज नोन एज इंटरनल डेट। इंटरनल डेट सच एज लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंट्रीज बैंक, फ्रॉम द कंट्रीज सिटीजन्स, फ्रॉम द कंट्रीज कंपनीज एंड फ्रॉम द बिजनेस हाउसेज, फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बट एक्सटर्नल लोन समटाइम्स द गवर्नमेंट टेक्स द लोन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनल लोन इट कैन बी अ वॉलेंट्री और इट कैन बी अ कंपल्सरी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज वॉलेंट्री और कंपल्सरी इन नेचर। तो जो लोन है जो अपनी देश जो हमारे देश के अंदर से लेती है वो वॉलेंट्री अपनी मर्जी से भी हो सकता है या फिर कंपलसरी लोन लेने का भी प्रोविजन है। मतलब एमरजेंसी के वक्त गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल बैंक से और बड़ी बड़ी बिजनेस कॉरपोरेशन से कंपलसरी लोन भी ले सकती है। लेकिन क्या हम दूसरे देशों से एक्सटर्नल डेट कंपलसरी ले सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज वॉलंटरी नेचर। तो जो एक्सटर्नल डेट है वो कभी भी वॉलंटरी होता है, कंपलसरी नहीं। ओके, इंटरनल डेट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनल लोन जो होता है उसमें हमें फॉरेन करेंसी से डीलिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे ही लोगों से हम लोन लेते हैं तो वो इंडियन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी में होता है। लेकिन एक्सटर्नल लोन इज ऑलवेज इन फॉरेन करेंसी। और इंटरनल लोन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है मैनेज करना, लेकिन एक्सटर्नल लोन को बहुत बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। तो ये था इंटरनल लोन एक्सटर्नल लोन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी। इस वीडियो में इतना ही।